So hey guys, very very good afternoon to one and all. And uh, today is, today is dhan 22nd ka din hai 22 October 2022, and time is 1:19. So this time, remember this time in your life. Why I am telling you? Because this is going to be one of the best videos in my YouTube channel till date, and I am going to give you the best content. ट डेट आज तक का सबसे बेस्ट कंटेंट आज के दिन मैं आपको शायद शेयर करने वाला हूं और ये भी शेयर करने वाला हूं कि ये धन तेरा साफ जिंदगी तमाम याद रखो जो भी लोग मेरे साथ एसोसिएट करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता है वेन आई से समथिंग आई मीन इट ओके जस्ट हवाबाजी करना मेरा काम नहीं है आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट थिंग एंड पीपल हुई नो मेरा जो प्रोग्राम जो मैंने डेली में किया था आई होप यू रिमेंबर आई वुड लाइक टू थैंक दीज गाइज फर्स्ट बिकॉज दे बिलीव इन अस एंड वी डिड आर बेस्ट टू गिव दम द बेस्ट दैट है और आज का दिन क्यों स्पेशल है आज का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये दिवाली मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपनी जिंदगी में कभी भूलो और आपका एसोसिएशन जो मेरे साथ है जो ये सत्रह हजार लोगों ने मेरे पे बिलीव किया जो मैंने इस जीरो से जब स्टार्ट किया था वो जर्नी में आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन नहीं दबाया दैट मींस यू आर नॉट गेटिंग द प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बट व्हाट इज स्टॉपिंग यू नोटिफिकेशन अगर नहीं आएगा चीजें पता नहीं चलेंगी तो आप किस तरीके से करोगे राइट सो कम एंड बी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स बिकॉज यहाँ पे आपको वो चीजें मिल रही हैं जो आपने शायद कहीं सोची ना हो अब इसी पार्ट में क्या आता है कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ हम करते क्या है फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो डेली एनालिस में पुटअप करता हूँ यहाँ पे एनालाइज करता हूँ मार्केट को आपके लिए कॉल जनरेट करता हूँ आपके लिए व्यूज प्रोवाइड करता हूँ उसका हिस्सा अगर आप नहीं है तो वो भी एक बड़ी गलती है तो यहाँ पे एक ट्रेड विद डॉक्टर देवेंद्र यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल में दस लोग हैं अभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे फेक चैनल्स मेरे नाम पर हैं मैं बिटकॉइन ट्रेड नहीं करता ना रिकमेंड करता हूं तो अगर आप उस चीज में फंसे हुए हैं तो प्लीज गेट आउट दैट एंड गेट इन द रियल चैनल

अलर्ट हो जाओ आपके लिए मैं कुछ ऐसा लेके आया हूं विच इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड ओके अब याद रखो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको क्या चाहिए ओके एंड व्हाई आर यू वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज पहला रीजन ये है कि आपके पास कोई फिक्स सेटअप नहीं है आज तक या फिर फिक्स सेटअप है तो उसमें बिलीव सिस्टम नहीं आ रहा है ठीक है फिर भी आप एक इम्प्रोवाइज करने के लिए लर्निंग करने के लिए आगे बढ़ रहे हो और जब तक फोकस लर्निंग है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक एन इंपैक्ट ओवर हियर हम जो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कंटेंट सुपर ट्रेंड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्ले को देखिए प्ले में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज फ्री लर्निंग कंटेंट स्ट्रैटेजीज में आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक डाल दूंगा आप वहां से जाके सारी स्ट्रेटजीज देख सकते हैं ठीक है हाल फिलहाल मैंने फाइव पे अपनी रिसर्च भी पब्लिश करी है रैंको ट्रेडिंग के ऊपर पूरे बात की है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है ठीक है आपको कमेंट और लाइक्स करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए बिकॉज आई एम पुटिंग हार्ट आउट ओवर देयर और अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट सपोर्टिंग बिकॉज जितना आप सपोर्ट करेंगे हम एक कोर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कोई प्रमोशन नहीं कुछ नहीं किसी किसी तरह का पेड वर्जन नहीं किसी तरह की पेमेंट्स नहीं कुछ नहीं हम एक रुपया भी एड्स में खर्च नहीं कर रहे हैं हम, मैं अपनी न्यू बना रहा हूं आज की डेट में पीपल आस्क मी कि वाई आर यू गोइंग सो स्लो सो आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग गुड पीपल गेटिंग अ गुड टीम फॉर्मिंग द बेस बिफोर द लॉन्च सो आप समझिए आप इसका हिस्सा बन रहे हैं चीजें आप आगे आके सीखेंगे काफी अच्छा तो उस पर फोकस बना के रखेंगे

अगर आपको लगता है कि वेस्टिंग में यो टाइम तो एक बार यू कैन पुट अ गाली और, <laughs> <laughs> और मेरा चैनल भी छोड़ देना कोई टेंशन नहीं ठीक है बिकॉज आई मेक सेंस आई एम वेरी श्योर अबाउट इट ठीक है तो अगर आप फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है ना तो समय नहीं है तो फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और इसको लाइक करके ऑन योर टाइप ऑफ ट्रेडिंग ओके अब मैं आपको कुछ बेसिक समझाता हूं कि बेसिकली अगर इंटरडेट ट्रेडिंग हम करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किन किन चीजों पर फोकस हमारा बना रहना चाहिए राइट right? ओके okay? अच्छा कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं आप इतना एनर्जेटिक पूरा दिन कैसे रहते हो ठीक है बट वेन यू मोटिवेटेड्स अब टूअर्स सर्टन थिंग्स देन अपने आप एनर्जी बनी रहती है ठीक है यू कैन नॉट बी लेथार्जिक आई हेट लेथार्जिक पीपल सो ओके नाउ फर्स्ट थिंग अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेंड क्या है यानी कि ट्रेंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ट्रेंड किस तरफ है क्या आज हम बुलिश हैं या फिर बियरिश हैं या फिर आप क्या है साइडवेज है क्या है कैसे पता चलेगा अब मैं आपको बता दूं कि जो मैं दिखाऊंगा या आप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट गुड रिजल्ट इट इज ऑन टू मिनट चार्ट इंटरनेट ट्रेडिंग में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे चार्ट दो मिनट का चार्ट इस्तेमाल करेंगे तो पहली चीज मैंने क्या बताई कौन सी चीज में अपने को फोकस करना है? पहली चीज है कि आपको ट्रेंड का पता लगना चाहिए कि मेरा ट्रेंड क्या है सेकेंड चीज जो आपको पता रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए एंट्री का एंट्री कब करूंगा ठीक है तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए एग्जिट क्राइटेरिया क्या है ठीक है एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या है चौथी चीज आपको पता होना चाहिए आपका एसएल कहां है अच्छा अब ये वीडियो देखने के बाद काफी सारे लोगों को लगेगा यार भाई इतना प्रीमियम तो इसने यहां बता दिया तो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये क्या सिखाता है दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट वेरी यूनिक यू हैव सीन दैट इन योर है लाइफ आई चैलेंज यू फॉर दैट यू मे सीम दैट ये आपको लगेगा ये तो क्या नया नया, नया बंदा आया <laughs> ये क्या बताएगा बट एक बार जाके मेरी टेलीग्राम पर रुको तो सही देखो तो सही ठीक है फिर मजा आएगा ठीक है अभी देखो ये जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेंड क्या है एंट्री कैसे लेनी है एग्जिट कैसे लेना है स्टॉप लॉस कैसे लेना है ये सब यूनिक चीजें हैं आप ये चीजें कहीं नहीं देखोगे कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या थॉट प्रोसेस है मेरा वो मेरा ही थॉट प्रोसेस है और मैं इसको बैक टेस्ट एंड टेस्टिंग करता हूं और इसके रिजल्ट मैं आपको रोज टेलीग्राम चैनल पर दिखाता हूं कि वॉट वी कैन अचीव वेन वी फॉलो दिस थिंग्स आई एम नॉट टेलिंग

चैनल चैनल का जो इंडिकेटर अवेलेबल है तो ये आपको देखो ये स्ट्रेटेजी जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे तो ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम के फ्री वर्जन में आप यूज कर सकते हैं किसमें कर सकते हैं फ्री वर्जन में यूज कर सकते हैं इसके लिए पेड वर्जन की जरूरत नहीं है हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि कृपया करके ये इग्नोरेंस मन से डाल दो कि ये तो भैया पेड वर्जन बताएगा तो उस उसके बाद उसी में यूज कर सकते हैं और कहीं यूज नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप इसको किस में यूज कर सकते हैं आप इसको फ्री वर्जन में यूज कर सकते हैं तो डाउट क्लियर हुआ तो पहली चीज किस तरह से लाएंगे इंडिकेटर्स में जाएंगे जाके कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में जाएंगे कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे दिखती है आपको कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में गए कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है गोशियन चैनल आई एम ऑलरेडी अप्लाइड टू इट बाय डोनो वॉल थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी सिक्स ओके तो ये जो सब्सक्राइबर बेस है इस वाले ऑथर का हमको गौशन चैनल यहां पे अप्लाई कर देना है अब जैसे मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है आप क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए जीसी डब्ल्यू मैंने अप्लाई कर दिया है अब इससे क्या होता है बेसिकली आपको एक कंटेंट मिलता है दो मिनट के चार्ट पे आपको ये समझ में आने लगता है कि मार्केट जो है मार्केट जो है वो आइदर ट्रेंडिंग अप है कि ट्रेंडिंग डाउन है या फिर साइडवेज है सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स वो कैसे समझ में आएगा कि मान लीजिए आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो किस तरह से समझना है अब इसमें एक करेक्शन करना है ये सेटिंग्स में जाना है ये जहां पे देखिए सैम्पलिंग पीरियड आपको 144 लिखा हुआ आएगा तो उस वक्त ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा ऐसा कुछ दिख रहा होगा ठीक है हमको 144 नहीं चाहिए दादा मुझे इसको प्रिसाइज एज सुन एज द थिंग्स आर स्टार्टिंग टू चेंज मुझे इसको पकड़ना है तो याद रखिएगा ये डेटा ठीक है अब मैंने क्या किया यहाँ पे जाके इसको 99 किया है क्या किया है 99 जैसे ही मैं 99 करता हूं मेरा ट्रेंड जब ये लो तोड़ता है वहां से ये नेगेटिव ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो अंडरस्टैंड करने से कैसे करना है इसकी जो तीन बाउंड्रीज़ हैं उसको याद रखिए ये अगर प्राइस जो है वो तीन बाउंड्रीज जो बनी हुई हैं उसमें ग्रीन कलर भरा हुआ है क्या कलर भरा हुआ है ग्रीन कलर भरा हुआ है तो मेरा ट्रेंड क्या है पॉजिटिव है अगर मेरा ट्रेंड देखो शिफ्ट हुआ फिर उसके बाद मैं यहां से लो को तोड़ा आप किस में चले गए नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में मार्केट को लेके चले गए हैं नेगेटिव डायरेक्शन में मार्केट को लेके चले गए हैं एज सुन एज दिस इज ब्रेकिंग दिस दिस इज द फर्स्ट टारगेट दिस इज द सेकंड टारगेट और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह इसको लेने लगेगा यहाँ पे क्या लेगा सपोर्ट की तरह लेगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर मार्केट इसके ऊपर चल रहा है तो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट अगर उसके अंदर चल रहा है तो दिस इज साइडवेज मार्केट अगर उसके नीचे चल रहा है तो so मार्केट क्या है मार्केट क्या है मार्केट नेगेटिव है क्या है नेगेटिव है और ये दो मिनट के चार्ट पे पांच मिनट के चार्ट पे हर जगह आपको सेम एप्लीकेशन करना है सेम तरीके से सोचना है और सेम तरीके से काम करना है आई होप इट इज अंडरस्टूड ये समझ में आ रही है बात क्या मैं बता रहा हूं ठीक है तो अगर प्राइस

एक बज एक के पांच मिनट में मैंने बता दिया था कि मार्केट की ये लास्ट कैंडल है जो कि ग्रीन बुल्स के लिए रहेगी उसके बाद मार्केट गिर जाएगा डोंट बिलीव मी हाँ तारीख देख लो तारीख पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूं एंड दिस इज वॉट वी हैव डन एक बज के छह मिनट पे दिस इज द लास्ट कैंडल फॉर प्लीज मेंटेन प्रॉपर स्टॉप लॉस और स्टे अवे आई एम डन फॉर एज ऑफ नाउ एंड वन और सिक्स पे मैंने बता दिया था यू एन पर्सन फ्रॉम दिस फॉलोअर ही सेड दैट दिस मैसेज ऑन टेलीग्राम कैन यू प्लीज शेयर हाउ यू एग्जैक्टली दिस कैंडल वॉट एनालिसिस मेड यू कंक्लूड द तो ये सब एनालिसिस का कमाल है मेरे भाई अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करते हो तो आप चीजें सीख सकते हो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट अब ये अपने को समझ में आ गया कि मेरा ट्रेंड क्या है ट्रेंड में समझ में आ गया ट्रेंड यार इसके नीचे जाते ही साथ मैं नेगेटिव सोचने लगूंगा पहले ये इधर आएगा थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा लेकिन हाई को क्रॉस नहीं किया रिजेक्शन हो गया नीचे से गया रिजेक्ट हुआ नीचे क्या है निगेटिविटी अब बात समझ में आ रही है कि क्या है ये नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी का अपना पता चल गया कि ट्रेंड क्या है मेरे भाई ट्रेंड अपने को पता चल गया तो अपन टिक मार सकते हैं कि हमें ये वाला पता चल गया क्लियर है।, है अभी तक हिट दट लाइक बटन हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ एंड कमेंट करिए कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई आई तो यस yes, नहीं आई तो यू आर स्पीकिंग नो है ना कुछ तो बोलो यार बोलोगे नहीं इंटरक्ट नहीं करोगे सिर्फ सोचते रहोगे तो फिर बात नहीं बनेगी ना मेरे भाई बात समझ में आ रही है तो समझो मैं जो बता रहा हूं लाइक बटन जरूर दबाओगे दो बार मत दबा देना नहीं तो वो खत्म हो जाएगी है ना मेरे भाई <laughs> मजाक कर रहा हूँ जैसी इच्छा कर लो है ना तो वो जरूर कर दीजिएगा और जितने ग्रुप्स हैं आपके कृपया करके वहां तक वीडियोस को पहुंचाओ जिनको सच में जरूरत है इस कंटेंट की हर एक के पास पैसे नहीं होते यार कि वो सीख पाए चीजों को उस तरीके से और मैं भी इतना विलत हूं नहीं कि हर चीज में ऐसे ही फ्री फ्री में देता रहूं है ना तो इसलिए कई लोग मेरे काउंटर करेंगे कि आपकी फीस बहुत ज्यादा है चीजें हैं तो मैं मेरे यार मेरे कंटेंट की कीमत है मेरे की, मेरे रिसर्च की की टाइम कीमत है मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं ट्रेडर भी बढ़िया हूं आपको पता ही है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ क्या पता किसी को लगता हो कि ये तो मिलना है लेकिन फिर भी आपने मुझे देखा है काम करते वक्त तो इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि टाइम की वैल्यू होती है वो टाइम की वैल्यू का आप अगर नहीं वैल्यू करोगे उसको तो फिर लोग नहीं समझते हैं चीजों को को दैट्स वी गिव दैट पेड पेड क्लासेस एंड ऑल बिकॉज़ किसी किसी को ऐसा लगता है है। कि उनको में ही सीखना बट बिग क्लेम दिस इज फैक्ट आई एम टेलिंग यू कि दिस कैन मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड आई टेल यू हाउ नेक्स्ट चीज क्या है मैं हमेशा सोचता हूँ कि बंदे को ये पता है कि ट्रेंड क्या है बंदे को ये पता चल गया भैया ट्रेंड क्या है ट्रेंड के लिए उसको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है मैंने उसको एनालिसिस करना सिखा दिया इसके ऊपर अपन पॉजिटिव इसके नीचे हम नेगेटिव यहाँ कहीं फंस जाए तो अपने को कोई ट्रेड लेने से पहले 40 बार सोचना है उसमें भी मिड पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव मिड पॉइंट के नीचे नेगेटिव इसके नीचे क्या तो बहुत ज़्यादा निगेटिव दैट इज ऑल फाइन ठीक है बात समझ में आ गई सबको क्लियर है

जिनको नहीं पता है उनको मैं बता द प्रीवियस प्राइस यानी कि प्रीवियस कैंडल के हाई लो एंड क्लोज के हिसाब से उसकी स्टार्टिंग है मार्केट मार्केट का क्या बताता है करेक्ट ट्रेंड बताता है अब देखो क्या होता है जब से मान लो अगर ये कैंडल है हाउ डिफरेंट दिस इज फ्रॉम द प्रॉपर रेड बार ओके तो दिस इज द लो लो ऑफ द कैंडल राइट ये लो है वो हाई है है ना तो जब भी इसमें तीन तरह की कैंडल्स बनती है, है कैनैशी में क्या होता है तीन तरह की कैंडल बनती है आईदर दिस टाइप ऑफ कैंडल जिसमें ये जो विक होती है वो ऊपर की तरफ होती है तो दिस इज अ बुल कैंडल और बुलिश कैंडल एन अदर कैंडल इज ऑफ दिस टाइप दैट इज बियरिश कैंडल ये रेड कलर की होती है और एक होती है

नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसको ध्यान से सुनना दिस इज गोइंग टू द प्राइज एक्शन मास्टर क्लास फॉर यू सो ध्यान से सुनो इसके लिए मैं आसानी से आपसे ग्यारह बारह हजार रुपये ले सकता था और प्यार से सीखते आप ठीक है फिर भी दिवाली है धनतेरस है बहुत बहुत ही उत्तम मौका है तो उस मौके पे मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन देने वाला हूँ इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि समाज के लिए कुछ तो काम आए और वैसे भी आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए और कि what I'm doing it for you. तो ध्यान से देखते जाइए जो मैं आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट चीज क्या है नेक्स्ट चीज में हम हमेशा से बड़े फैन रहे हैं सुपर ट्रेंड के सुपर ट्रेंड पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं और आपको पता है कि सुपर ट्रेंड क्या कैपेबिलिटी रखता है कभी भी याद रखो मार्केट क्या करता है मार्केट हमेशा या तो ब्रेक या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है या रेंज में रहता है कभी भी जब वो ऊपर जाता है तो या नीचे जाता है तो हमेशा सीधा सीधा तो जाता नहीं है है ना वो क्या बनाता है हाई 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 लो 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 ठीक है और नीचे जाता है तो क्या करता है ऐसा ठीक है ऐसे 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 ना एक हाई बनाता है एक लो बनाता है हाई बनाता है लो बनाता है हाई बनाता है लो बनाता है ना ये देखो करेक्ट इस तरीके से जाता है तो ये क्या बताता है डाउ डाउथेरी क्या कहती है कि वो बोलते हैं कि हायर लो हायर बनाते ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा अब क्या होता है जैसे जैसे हाई हाई लो लो बनाता जाता है तो उसकी एक रेंज स्टेब्लिश होती है जिसको बोलते हैं ए टी आर एवरेज टू रेंज समझो हाँ ध्यान से खुल के अपने ढक्कन ए टी आर में क्या होता है कि ए टी आर से एवरेज टू रेंज मिल गई अब मुझे सुपर ट्रेंड क्या करता है सुपर ट्रेंड करता है कि एटीआर का ब्रेकआउट कहां से होगा या ब्रेकडाउन कहां से होगा तो आप जब सुपर ट्रेंड अपने चार्ट पे अप्लाई करते हो तो उस वक्त आपको क्या मिलता है उसको आप वक्त आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एरियाज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाते हैं अब इस मिनट के चार्ट में कैसे हम एक अलग तरीके की थेरी अप्लाई करेंगे ध्यान से देखना तो हम लोग क्या करेंगे अब अगर किसी को जानना हो कि बेसिकली सुपर ट्रेंड होता क्या है तो हम आपको क्या करना है आपको यहाँ प्ले में जाओ फ्री लर्निंग वीडियो में जाओ और हाँ तो यहां पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने पहला ही वीडियो सुपर ट्रेंड इजीएस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बनाया था और ये वीडियो पे अभी तक 67,900 यानी 68,000 लोगों ने इसको देखा है जुलाई 31, 2021 का वीडियो है इसको जाकर देखिए ऑल द कंटेंट हैज बीन शेयर्ड हियर कि सुपर ट्रेंड में किस तरीके से काम करना आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक ऑफ दिस वीडियो एट द बॉटम इन डिस्क्रिप्शन एंड आप वहां से ले सकते हो ठीक है आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो चीजों को अब हम क्या सीख रहे थे हमें सीख रहे हैं कि इसमें सुपर ट्रेंड कैसे अप्लाई करें तो मैंने कर दिया सुपर ट्रेंड अप्लाई अब बताओ कैसा लग रहा है अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ट्रेड प्लान करना है मेरे भाई है ना तो हम ये काम करते हैं गोश्चन चैनल का इम्पैक्ट जो है कैंडल स्टिक्स पे उसको मिटा देते हैं है ना ताकि थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखे थोड़ा अच्छा लगे

डेढ़ एक बज के सत्रह मिनट पे मार्केट गिरना शुरू करती है यहां से और फिर उसके बाद हम लोग करीबन कितने पॉइंट? सॉरी, 40,977 से हम लोग 40,750 तक कितने मिनट में गिरते हैं एक घंटे के अंदर गिर जाते हैं उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है फिर उसके बाद एक बियरिश बनती है फिर उसके बाद एक रिवर्सल आता है 40,700 से 40,900 तक तो क्या हम ये नहीं पिक कर सकते हैं फिर आपकी बात आती है कि चलो ठीक है मैंने बता दिया कि सर सुपर ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड ले लेना ठीक है लेकिन अगर आप ट्रेड लेना भी चाहते हो तो आप अगर लोगे तो बोलोगे सर मेरे को सुपर ट्रेंड के हिसाब से मैंने हेकेशी कैंडल स्टिक्स लगा के मेरे को ट्रेड मिल तो गया लेकिन मेरा सर एस एल होगा मैं आपको यूनिक तरीका बताऊंगा इसमें यूनिक तरीका क्या करेंगे हम एक और सुपर ट्रेंड यूज करेंगे जो सेटिंग शायद कोई यूज नहीं करता लेकिन हम उसको यूज करेंगे वो सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स ये है वो सेकंड जो हम यूज कर रहे हैं दैट विल बी योर स्टॉप लॉस इन द डायरेक्शन अब सुनो ध्यान से अगर आपको जोन आइडेंटिफाई करने की कौन सा जोन है बुलिश जोन है ये बियरिस जोन है नीचे की तरफ बियरिस जोन है बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बट कैन नॉट टेक दम बिकॉज इंट्रैक्शन खराब होगी अब यहां पे देखो ध्यान से अगर मैं बुलिश एरिया में हूं तो मैं क्या करूंगा बुलिश एरिया में मैं थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ाऊंगा यहां पे आप चार लॉट से ट्रेड करते हो आप चार लॉट से ट्रेड करो लेकिन अगर आप बुलिश एरिया में बियरिस्ट ट्रेंडल का काम कर रहे हो तो आपको दो लॉट पे काम करना है 50 परसेंट रेड्यूस कर देना अपना पोजिशन साइज ध्यान से इस चीज को दिमाग में भर ले ठीक है दो मिनट के चार्ट पे हम लोगों को इस तरह से काम करना अब क्या होता है सेकंड सुपर ट्रेंड जो है दैट बिकम्स योर स्टॉप लॉस सपोज यू शॉर्टेड द मार्केट एट दिस लोकेशन ओके एंड एज सुन एज दिस फर्स्ट बाय सिग्नल कम्स ऑन द छोटू सुपर ट्रेंड ओके यू नीड टू रिमूव योर पोजिशन बट यू कैन नॉट टेक द ट्रेड फ्रॉम हियर बिकॉज आपका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है नेगेटिव है तो बड़ा सुपर ट्रेंड अपना क्या था नेगेटिव था तो हम इसको काटने के लिए काम करेंगे ट्रेड लेने के लिए काम नहीं करेंगे ट्रेड कब लेंगे वो तब लेंगे जब आप यहां पे अगर ये बियर ट्रेंड में आप बने हुए हैं तब आप अगर इसको लो को तोड़ोगे तब आप इसमें ट्रेड ले सकते कंटिन्यू करता है फिर ये लो को तोड़ नहीं पाता और फिर उसके बाद एक नया लो बनता है जो कि इसको दोबारा से ट्रेड में लेके जा सकता है इमेजिन दिमाग चल रहा है अभी अब ये इसको काटना कब तो ये डोजी कैंडल पे इस कैंडल पे हम इस ट्रेड को काट सकते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज द स्मॉलर सुपर ट्रेंड फॉर कटिंग आवर पोजिशन एंड ट्रेड अगर उसी डायरेक्शन में मेजर सुपर ट्रेंड के डायरेक्शन में सेकेंड ट्रेगर जनरेट होता है जैसे अभी यहाँ पे एक ट्रिगर स्टैब्लिश हो रहा है हमने लो मार्क कर लिए ठीक है हमने ये लो मार्क कर लिए और फिर दोबारा से सेल पोजीशन बनाने का मौका मिलता है तो मेजर सुपर ट्रेंड अब जब का आपका नेगेटिव है तो मैं ये ट्रेड लेना पसंद करूंगा ये ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा बिकॉज यहां पोजीशन काटनी है ना कि ट्रेड लेना है समझ में आ रहा है अब यहाँ पे जब ये स्टैब्लिश हो गया तो हम यहाँ से एक ट्रेंड देख पा रहे हैं कि भाई पॉजिटिव स्टैब्लिशमेंट हो गई है अब यहाँ पे जब उसने एक ट्रेंड स्टैब्लिश कर दिया मेरी एंट्री हुई और यहां से चौ चालीस हजार सात सौ से मैं चालीस हजार नौ सौ पे खड़ा था अब आपका ये क्वेश्चन होगा सर सेटिंग बता दो कहाँ से क्या करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे अप्लाई करना है सुपर ट्रेंड सुपर ट्रेंड में जाइए सुपर ट्रेंड में जाके किन ऑजब्लिजिक करके एक ऑथर है उन पे अप्लाई करिएगा और इसकी जो सेटिंग्स है मैं आपको बता देता हूँ छोड़ो यार नहीं बताते बिकॉज कमेंट <laughs> करना फिर बताऊंगा या फिर दो तीन हजार रुपये दो ऐसा कुछ बोलने वाला हूं मैं या फिर ये करो वो करो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूं ध्यान से सुनना लिख लो एक जगह मजाक था ठीक है तो यहां पे इनपुट्स में जाएंगे हम लोग यूज करेंगे सुपर ट्रेंड पे इंडिकेटर टाइम फ्रेम का कोई टेंशन नहीं है एटीआर पीरियड आपका वन है सोर्स ओपन है एटीआर मल्टीप्लायर 0.8 है इसको यूज करना है आपको ठीक है 0.8 को ये हो गया बड़ा सुपर ट्रेंड और जो छोटा सुपर ट्रेंड है वो आपको यूज करना है एटीआर पीरियड 1 0.1, 0.1 ना, 200 पॉइंट की रैली मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा मजा क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ आप कभी हिस्ट्री में चले जाओ यार साइड डे हो कुछ भी डे हो कुछ भी हो रहा हो डर मेरे भाई मैटर आप रिवॉर्ड सिस्टम देखो ठीक है मान लेता हूं यहां पे आपका ट्रेंड शिफ्ट हो चुका था यहां पे आपका ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट होने के बाद में आपने अगर ट्रेड दिया है इस डायरेक्शन में यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल ठीक है इसको बैक टेस्ट करो इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो इसको लाइव मार्केट में यूज करो इसमें पैसा लगा के ट्रेड करो आप कर सकते हैं आप पांच मिनट में कंफर्टेबल हैं ठीक है तो आप पांच मिनट में लगा लो देख रहे हो आप आप पांच मिनट में लगा लो कोई गल नहीं मुद्दा क्या है जब हम ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में यूज करते हैं इन चीजों को सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो वो जो पहली कैंडल जो पांच मिनट की बनती है ना वो इतनी बड़ी बन जाती है मार्केट उसी में घूमता रहता है काफी टाइम के लिए फिर कंटिन्यू करता है बंदा वहां पे लॉस बंदा वहां पे अपनी होप लूज कर देता है अगर मान लो देखने के लिए बात की जाए तो यार पंद्रह मिनट का चार्ट लगा दूंगा तो ये तो हलवा लगेगा आप खुद ही सोचो पंद्रह मिनट का मैं चार्ट लगा दूं तो तुम तो बोलोगे यार ये तो बहुत पैसा है भाई यहां से ट्रेड मिला यहाँ पे बुक कर देता यहाँ पे शॉर्ट कर देता तो यहाँ पे मिल जाता बिल्कुल कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर हंड्रेड परसेंट इस पर काम कर सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका पैसा बनेगा हंड्रेड परसेंट बन सकता है अल्टीमेटली वॉट मैटर्स आप पंद्रह मिनट के चार्ट पे करके आ रहे हो पंद्रह मिनट के चार्ट पे आप कोशिश कर रहे हो ये कैंडल के टॉप को अगर निकाल देगा तो मेरा ट्रेंड पलटेगा एंड अल्टीमेटली वही आपको यहां से मिलती है तो आप पंद्रह मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई बंदा वन आवर के टाइम फ्रेम पे यूज करता है चीजों को तो आप वन आवर के टाइम फ्रेम पे भी चीजों को यूज कर सकते हो मेरे भाई आप यहां पे अगर ट्रेड पकड़ते तो यहां तक का तो ट्रेंड मिलता ना बाबा मुद्दा यह है कि मैं किसी ट्रेड में बैठना ही नहीं चाहता मुद्दा यह है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है अगर आप किसी स्टॉक को ले लो या इंडेक्स को ही ले लो फॉर एग्जाम्पल आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो आप एक मिनट पे इस्तेमाल कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते मुझे ये बताइए। आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते सत्रह तो इसका एग्जिट कहाँ दिया उसने सत्रह पे एंड अगेन इट एन एंट्री सत्रह हजार पचासी एंड अगेन एट गेव एन एग्जिट एट सत्रह नब्बे ठीक है 570 पे दिया था एंट्री एंड इसने यहां पे टॉप बनाया 17,600 का तो क्या स्कैल्प ट्रेड नहीं है ये आप समझ रहे हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर लो मेरे भाई अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप पांच मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर लो आप समझ रहे हो ये ट्रेड सत्रह से सत्रह सिंगल ट्रेड कैन चेंज द वे यू थिंक

तो जितना छोटा टाइम फ्रेम जितना बड़ा ए जितना बड़ी मूवमेंट वो उसके हिसाब से उसको काम कर लेगा आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं क्या आप इसको टाटा कंसल्टेंसी में यूज कर सकते हो तो देखो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्या आप इसको यू नो इन्फोसिस में यूज कर सकते हैं देख लो कि यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वन आर चार्ट में और क्लैरिटी आ जाएगी क्या आप इसे एच बैंक में यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट कि भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप देखो ट्रेंड का पता लगा के देखो कि क्या इसमें पैसा बनता है क्या दो मिनट के चार्ट पे हम उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इंडेक्स पे आप ध्यान से देखो 570 वाले पे क्या ये दो मिनट का चार्ट नहीं है दो मिनट के चार्ट पे कितना बढ़िया ट्रेड है मेरे भाई 550 से आप जा रहे हो 590 सौ पे शॉर्ट मार रहे हो शॉर्ट मार रहे हो पांसो... पचास पे लो बना है पांच का यहाँ पे आपने शॉर्ट मारा सत्रह छह सौ अठारह एग्जिट मिला है सत्रह हजार पांच सौ सत्तर पे और पूरा पूरा दिन निकल जाता है आप दस पॉइंट नहीं निकाल पाते हो यार अब इससे अच्छा सिस्टम आपके लिए मैं क्या बना के दू अगर आपको सच में ये एफर्ट अच्छा लग रहा है और इसको मॉडिफाई करके और चीजें चाहते हो कि मैं इसमें और इंप्रोवाइज करूं हिट दैट लाइक बटन एंड मेक इट वन केज मैनी प्लेटफॉर्म कैन

आप इसका हिस्सा बन सकते हैं इंक्वायरीज के लिए नंबर दिया हुआ है एट टू डबल पार्ट ऑफ दैट थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच फॉर फॉर लिसनिंग टू मी बीइंग पार्ट ऑफ दिस थिंग आप आराम से समझिए आगे बढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इफ यू रियली लाइक माई कंटेंट एंड लेस होप दैट आई कीप गिविंग यू द बेस्ट एंड यू कीप चिशिंग ऑल दिस थिंग्स ओके हैप्पी दिवाली हैप्पी ऑल जितनी हैप्पीनेस है वर्ल्ड में वो आपको मिले आप अच्छे से काम करो अच्छे से सीखो और देखो ज्ञान पे फोकस बना के रखिए माँ सरस्वती की पूजन करिए माँ लक्ष्मी के पूजन करिए दोनों जब समागम होगा ना तो फिर लक्ष्मी जी भी आएंगी और सरस्वती जी भी आएंगी ज्ञान के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है चाहे वो देखो अब बोलोगे कि अनपढ़ पैसा नहीं कमाता बिल्कुल कमाता है लेकिन उसको भी किसी ना किसी चीज़ का ज्ञान होता है प्रैक्टिस करता है मेहनत करता है उसके एस्पेक्ट में तो माँ सरस्वती तो उधर भी है अब यहाँ बात ये मत बोल देना कि हिंदू मुस्लिम एन ऑल इट्स लाइक उनके कल्चर में भी कुछ ना कुछ होगा वो अपना जान ले है ना कि ज्ञान पे ही भरोसा रख के हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी से सब कुछ होता है तो फोकस ऑन द राइट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और जिंदगी में सीखने की कोशिश करो और देने की कोशिश करो जितना देंगे उतना मिलेगा। दे के ही बड़े बन सकते हैं वेरी गुड सेइंग दे के बड़े बन सकते हैं तो फोकस ऑन लर्निंग ट्राई टू टीच पीपल दिस एस्पेक्ट जो मैंने आज सिखाया है आपको और इसे बार बार देखो जितनी बार नहीं समझ में आता उतनी बार देखो और फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझसे क्वेरी पूछो कोई गल नहीं है ना और जो लोग इसे देख रहे हैं दोनों चीज़ें ज्वाइन करो टेलीग्राम भी ज्वाइन करो और यहाँ पे भी आओ वहां पे आके मेरे एफ एन एनिवर्स एंड कैश यूनिवर्स का हिस्सा बनो फ्री में सारी चीजें लो और एक अच्छे ट्रेडर एक अच्छे इंसान और अच्छी मेंटेलिटी के साथ सोसाइटी में जाइए ठीक है थैंक यू सो मच ट्रेडिंग इज अ गुड बिजनेस एंड लेट्स फोकस ऑन दैट लेट्स मेक इट हैपन इन इंडिया थैंक यू सो मच टेक केयर एंड गुड बाय हैप्पी धनतेरस हैप्पी दिवाली एंड लव यू ऑल टेक केयर बाय